सर किस तरीके से दिख रहा है निफ्टी इस टाइम? एक गिरावट हाँ, देखने को मिल रही है इस वक्त। मार्केट में कुछ रूमर्स है, और थोड़ा सा कैसा है कि अभी जो FIIs वगैरह के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा जो रहती है, वो क्रिसमस सीजन जो कि शुरू हो चुका है फॉरेन में, उसकी वजह से मार्केट्स में थोड़े से वॉल्यूम कम ही है। प्लस आज सुबह ही प्रिंट मीडिया में और न्यूज़ मीडिया में भी ऐसी न्यूज़ चल रही थी कि सेंट्रल ने अलग अलग जगहों से, जहाँ पे भी कोविड का फिलहाल चालू है, वहाँ से सैंपल्स मंगाए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, कि कोई नया वेरिएंट वगैरह इंडिया में भी संक्रमित हो चुका है क्या, देखने के लिए। तो अभी मैं कुछ मेरे स्टॉक्स न्यूज़ के चैनल्स वगैरह चेक कर रहा था, तो उसमें शायद कुछ वेरिएंट्स आने की अभी कंफर्मेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन पैनिक सेलिंग एक प्रकार की ट्रिगर हो चुकी थी, थोड़े से लेवल्स भी तोड़ चुका था निफ्टी और बैंक निफ्टी। प्लस कैसा था कि अलग अलग टेक्निकल्स पे सुबह से हमें दिखाई दे रहा था कि मार्केट थोड़ा सा भी रिट्रेस करने की जब कोशिश कर रहा था, हर लेवल पे सेलिंग आ रही थी, लेकिन इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है इस बारे में जब तक क्लियर पिक्चर नहीं होता, क्योंकि कोविड भी अभी कुछ नई ऐसी न्यूज नहीं रही, उसको भी टैकल कैसे करना है ये लोग और गवर्नमेंट दोनों भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए कोई पैनिक सेलिंग ना करे इस टाइम पे। जी, तो ये थी राय निफ्टी 50 के बारे में। सर ने पैनिक ना होने की सलाह दी है, पैनिक होके आप इस टाइम पे सेलिंग ना करें। और ये क्योस थोड़ा सा हो रखा है, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको चलना पड़ेगा। सर बैंक निफ्टी देखे तो उस पर क्या राय बनती है? बैंक निफ्टी भी जब से इसने ऑल टाइम हाई छुआ है, उसके बाद से हमें वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा नजर आई है, वो एक प्रकार से ठीक भी है, क्योंकि हमें एक ड्रीम रैली जिसको कह सकते हैं हम, ड्रीम रैली मिली थी, PSU बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, तो थोड़ा सा कैसा है कि अभी जब भी कोई भी इंडेक्स एक अच्छी रैली के बाद अपने लाइफ टाइम हाई के पास आता है, तो उसमें एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, और हम डेली चार्ट्स पे देखने को जाए तो डेली में आपको उतनी उथल पुथल नजर नहीं आएगी, इंट्राडे में हमें एक 500 पॉइंट का अगर उतार चढ़ाव होता है, तो एक रिटेल जो बायर है या फिर रिटेल जो व्यूवर है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, लेकिन कैसा है डेली चार्ट्स पे देखा जाए तो ये एक इंडेक्स जो कि 44,000 का लेवल अटेंड कर चुका है, उसमें 1% का मूवमेंट होना एक लाजमी बात है, तो 44,000 का 1% भी देखने जाए तो 450-500 पॉइंट की मूवमेंट हमें नेचुरल समझनी चाहिए बैंक निफ्टी में। फिलहाल बैंक निफ्टी में वेट एंड वॉच का मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। जी, तो सर ने निफ्टी बैंक में वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बताई है।